नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। इस वीडियो के तहत बीकानेर निदेशालय की ओर से जो भी महत्वपूर्ण आदेश और सूचनाएं जारी है उसके बारे में अपडेट है। इसके अलावा शिक्षा विभाग से जुड़ी इस समय की बड़ी खबरें बताई जाएगी। जैसा कि साथियों आपको विदित होगा, इस चैनल पर शिक्षा विभागीय आदेश के अलावा आप रिजल्ट्स, आंसर कीज, दैनिक समाचार, रोजगार समाचार और विभागीय योजनाओं की अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी आज की बड़ी खबरों के साथ यह वीडियो। तो साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ यह है वीडियो। इसमें पहली अपडेट है, आप देख सकते हैं, जो कि कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से कार्यालय आदेश के तहत राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम 31 के प्रावधान अंतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्राध्यापक स्कूल शिक्षा शारीरिक शिक्षा पद पर आदेश क्रमांक शिवरा माध्यम संस्था DPC चयन प्रारंभिक शारीरिक शिक्षा इसके तहत वर्ष 22-23 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आधार पर अंकित विवरणानुसार चयन किए जाने पर चयनित अभ्यर्थियों को प्राध्यापक स्कूल शिक्षा शारीरिक शिक्षा के पद पर पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविर माध्य संस्था प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा DPC 22-23 दिनांक 29 जून 2023 तथा 13 जुलाई 2023 द्वारा पदोन्नति प्रदान कर इनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर इनको पदस्थापित किया गया था। आगे जानते हैं, संलग्न सूची में नीचे आपको लिस्ट भी बताई जाएगी। अंकित कार्मिक द्वारा प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा के पद पर निर्धारित दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने अथवा पदोन्नति पर परित्याग किए जाने अथवा पदोन्नति ग्रहण नहीं करने के फलस्वरूप इनको प्रदान की गई पदोन्नति निरस्त की जाती है। संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से पदोन्नति परित्याग करने अथवा पदोन्नति ग्रहण नहीं करने का निर्णय संबंधित कार्यालय अध्यक्ष आवश्यक रूप से करें। तो ये संबंधित अपडेट जो कि कल के आदेश के तहत है, विभाग ने कल आदेश जारी किया था, तो उन कार्मिकों की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। वरिष्ठता क्रमांक दिया हुआ, वरिष्ठता की अवधि, नाम कार्मिक का, जन्म तिथि, कर्मचारी की आईडी, चयन रिक्ति दिनांक और चयन वर्ग, वर्तमान में पदस्थापन स्थान और पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान, इस प्रकार से पूरी लिस्ट है इन कार्मिकों की, देख सकते हैं। और भी बड़ी खबरें आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी इस समय की बताने वाले हैं, बने रहे साथियों वीडियो के अंत तक। यहाँ पर देख सकते हैं पूरी लिस्ट इन कार्मिकों की, देख सकते हैं। अगली अपडेट है शिक्षा विभाग से जुड़ी, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से कल के आदेश के तहत प्रेस नोट जारी हुआ। वरिष्ठ अध्यापक उर्दू माध्यमिक शिक्षा TSP और नॉन TSP प्रतियोगी परीक्षा 2022, यहाँ सेकंड ग्रेड भर्ती 2022 संबंधित अपडेट है उर्दू सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों के लिए। पदों की भर्ती के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 18 सितंबर 2023 को जारी की गई विचारी सूची, जी हाँ, जो प्रोजन लिस्ट जारी हुई थी, इसमें सम्मिलित अभ्यर्थियों की पात्रता जाँच काउंसिल के माध्यम से आयोग कार्यालय में दिनांक 6 अक्टूबर 2023 शाम को आयोजित की गई। काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे कुल 22 अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा एक अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 18 अक्टूबर 2023 को प्रातः 9:30 बजे काउंसलिंग में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था। इन 22 अभ्यर्थियों में से कुल 7 अभ्यर्थी उपस्थित रहे और शेष 15 अभ्यर्थी उक्त दिनांक 18 अक्टूबर 2023 को भी अनुपस्थित रहे हैं। तो इनसे संबंधित अपडेट, उपरोक्त उर्दू विषय में अनुपस्थित 15 अभ्यर्थियों को अंतिम तौर पर सूचित किया जाता है कि आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in से विस्तृत आवेदन पत्र, प्रपत्र तथा आवश्यक दिशा निर्देश डाउनलोड कर उनका अध्ययन करते हुए विस्तृत आवेदन पत्र की प्रविष्टियां पूर्ण करने के उपरांत दिनांक 31 अक्टूबर 2023 को समय 9:30 बजे आयोग कार्यालय में आवश्यक रूप से उपस्थित हो गए। तो उर्दू सब्जेक्ट RPSC सेकंड ग्रेड भर्ती से संबंधित यह अपडेट है, जो अनुपस्थित रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए एक और विभाग की ओर से चांस दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो 31 अक्टूबर 2023 को अंतिम अवसर दिया गया है और 15 अभ्यर्थियों के जो रोल नंबर है आपको नीचे वीडियो में बताने वाले हैं, आप देख सकते हैं। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर लिस्ट ऑफ एबसेंट कैंडिडेट सब्जेक्ट उर्दू, ये 15 अभ्यर्थियों के रोल नंबर आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। अगली अपडेट है यहाँ पर, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय जयपुर की ओर से कार्यालय आदेश के तहत इस कार्यालय के परिक्षेत्राधीन माध्यमिक शिक्षा के कार्यालय अथवा विद्यालयों में कार्मिकों के बकाया अवधि के वेतन हेतु संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अथवा संस्था प्रधान द्वारा कार्यालय के शाला दर्पण पोर्टल पर वेतन व्यवस्था मॉड्यूल में ऑनलाइन अभिशंसा
के बाद प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर उनके नाम के समूह कॉलम संख्या 8 में अंकित कार्यालय अथवा विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद से उपस्थिति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर नियमानुसार वेतन आहरित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। संबंधित कार्यालय अध्यक्ष अथवा संस्था प्रधान कार्मिक से इस आशय का प्रमाण पत्र कर ले। इनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का वेतन अन्य विद्यालय से पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। उपरोक्त अवधि में संबंधित कार्मिक द्वारा किसी प्रकार का अवकाश का उपभोग किया गया हो तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण कर नियमानुसार वेतन भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। तो उससे संबंधित अपडेट है यहाँ पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक वेतन हरण से संबंधित जयपुर जिले संबंधित यहाँ पर इन कार्मिकों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। जैसे नाम कार्मिक यहाँ पर मूल पद नाम पदस्थापन स्थान का नाम यहाँ पर और महा का नाम जिसका वेतन आहरित किया जाना है अग्रिम आदेशों तक यश नो और पद का नाम जिससे वेतन आहरित किया जाना है और विद्यालय का नाम जहाँ से वेतन आहरित किया जाना है। तो वेतन आहरण से संबंधित ये अपडेट जयपुर ज़िले के इन कार्मिकों की आपको पूरी लिस्ट वीडियो के तहत बताई जाएगी। इसके अलावा साथियों शिक्षा विभाग से जुड़े सभी प्रकार के आदेश और सूचनाओं के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप हर प्रकार की अपडेट टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी आदेशों की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम पर कुछ समय बाद में उपलब्ध करवा दी जाएगी। देख सकते हैं इन सभी कार्मिकों की ये लिस्ट जिनका वेतन आहरित होना है, देख सकते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर जो कि कल के आदेश के तहत ये भी कार्यालय निदेशक माध्यमिक अथवा प्राइमरी शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्राइमरी शिक्षा संबंधित सब्जेक्ट में यहाँ पर देख सकते हैं प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2022 के अंतर्गत अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में काउंसलिंग द्वारा पदस्थापित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन कार्यग्रहण के संबंध में विषयांतर्गत लेख है कि प्राथमिक और एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2022 में कुछ जिलों में प्रारंभिक अथवा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में रिक्त पदों के अभाव में आवश्यकता अनुसार काउंसलिंग में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के पदों को भी रिक्तियों में सम्मिलित कर तदनुसार नियुक्ति प्रदान की गई। अधीनस्थ जिला कार्यालय द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में नियुक्ति प्राप्त अभ्यर्थियों के ऑनलाइन कार्यग्रहण के लिए उक्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में शाला दर्पण पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित नहीं होने के कारण इनका ऑनलाइन कार्यग्रहण नहीं हो पा रहा है। उक्त क्रम में ऐसे समस्त प्रकरणों के संबंध में निम्नांकित प्रारूप आपको नीचे बताया जाएगा। इसमें MS Excel में डिविलीज 010 फॉन्ट में सूचना तैयार करके कार्यालय की ईमेल ID यहाँ पर nyukti@gmail.com पर तत्काल भिजवाने की सुनिश्चितता करें। कल के आदेश के तहत ये इस प्रकार का ये रहेगा। जिले का नाम यहाँ पर विद्यालय का नाम जहाँ काउंसलिंग के द्वारा पदस्थापन किया गया है परंतु पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित नहीं हो रहा है। विद्यालय का NIC कोड और पद का लेवल और विषय नियुक्ति प्रदान किए गए कार्मिकों की संख्या विद्यालय का IFMS कोड और IFMS कोड होने की स्थिति में विद्यालय की PO का IFMS कोड एंड NIC कोड इस प्रकार से ध्यान रहे। निर्देश सूचना MS Excel में ही भिजवाना सुनिश्चित करें। तो ये थी साथियों शिक्षा विभाग से जुड़ी आज की इस समय की बड़ी खबरें और कार्यालय निदेशक राजस्थान बीकानेर निदेशालय की ओर से जो भी महत्वपूर्ण आदेश और सूचनाएँ उसकी अपडेट। उम्मीद है साथियों आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।